हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का बड़ा सोल्यूशन वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज आपको मैं ये एक जैसे यूट्यूब वगैरह में सब्सक्राइब करने के लिए आता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो एनिमेटेड आता है। तो अगर आप अपने पावर पॉइंट में भी अपने आप यूट्यूबर हैं तो आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस पिलर पर, तो ये एक बल्ब पिलर जला, लैम्प जला और नीचे लिख किया है सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस पिलर पर और यहाँ पर एक बल्ब जला और बल्ब जल के यहाँ गया, लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करें और अगर पसंद आई हो तो ये आप शेयर करें, है ना। तो इस तरीके से ये बल्ब जलेंगे। तो ये एनिमेशन अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए बनाना चाहते हैं शुरू या लास्ट में, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आइडियाज़ मिलेंगी आपको। तो ये कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आप शुरू करते हैं। चलिए कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एन करके एक नई फाइल ले लेते हैं, इसको कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर मैं जाकर इसको पेज सेटअप में मैं 16:9 लेकर ओके कर रहा हूँ। अब इसके बाद लैम्प, जो मैंने लैम्प अभी आपको दिखाया है, इस लैम्प को लाने के लिए आपको क्या करना है, ये pixabay.com एक है, उससे आप फ्री लैम्प वगैरह कुछ भी ला सकते हैं और फ्री है आपका, कोई इस पर चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं pixabay.com से इसको मैं ला चुका हूँ, मुझे सिर्फ इसको इसमें लाना है। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से पिक्चर में जाता हूँ और डेस्कटॉप में मैंने ये सेव कर रखा है लैम्प, यानी लैम्प लाया, लैम्प लाकर मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, ठीक है। और इसको बड़ा करने के बाद इससे लैम्प लाना है और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप क्रॉप कर लीजिए। फिजूल फालतू ऑप्शन इसमें मत रखिए क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा आपको। तो ये मैं इसको क्रॉप कर ले रहा हूँ फिजूला ऑप्शन, और इसके अंदर का जो है फॉर्मेट में जाकर रीकलर ऑप्शन में नीचे के साइड सेट ट्रांसपेरेंट कलर मिलेगा, इस पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर दीजिए तो बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। फिर यहाँ कंट्रास्ट में जाकर इसका कंट्रास्ट कलर बढ़ा दीजिए, क्योंकि फेडेड सा कलर लग रहा था, इसका कंट्रास्ट बढ़ा दीजिए। और ब्राइटनेस से भी थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी ब्लैक कलर, तो ये थोड़ा सा डार्क कलर का लैम्प आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको लाने से पहले, क्योंकि आपको सड़क पे अगर दिखाना है तो जिस फिगर पे जिस जगह दिखाना वो फिगर पहले ले आइए, जैसा कि मैं फिगर लाया था पीछे। तो अगर आपको प्लेन दिखाना है तो आप प्लेन भी दिखा सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी मैं फिगर लाता हूँ, तो इसके लिए राइट क्लिक पन्ने पर इस पर बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करके स्लाइड पर बैकग्राउंड करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और राइट क्लिक करके और यहाँ से जाना है आपको पिक्चर एंड टेक्स्चर में। फिर यहाँ से फाइल में जाना है आपको और फाइल से उस रैक को चूज़ करना है जिस रैक में आपने अपनी वो फ़ोटो लानी है। आपने वो फ़ोटो मैं यहाँ से मेरे इसमें इमेजेस में है, नहीं ओनली पिक्स में है, तो मैं ओनली पिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर इमेजेस तमाम है, मैं एक इमेज मुझे जो चाहिए मैं इस इमेज को चूज़ कर रहा हूँ, इस इमेज को चूज़ कर रहा हूँ, ओके। यही मैंने इमेज दिखाई भी थी, तो अब ये इमेज लग गई। आप कोई भी इमेज लगाकर, अब मुझे ये देखिए पिलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है, एक पिलर मुझे यहाँ चाहिए और एक पिलर मुझे यहाँ चाहिए, जिसकी मैंने कॉपी कर ली। कंट्रोल के साथ आप यहाँ लाकर छोड़ दे जाइए और दूसरा पिलर, तीसरा पिलर मुझे इस जगह चाहिए, है ना, इस जगह चाहिए। तो इस जगह लाकर थोड़ा सा इसको नीचे रखिए ताकि ये लगे कि ये पिलर जो है, और नीचे से क्रॉप कर दीजिए इसको, नीचे से जाकर नीचे से, ताकि ये लगे कि ये नीचे पिलर, इस सड़क के नीचे पिलर है ना। इसको थोड़ा सा क्रॉप करते हैं और इसी पे क्लिक करते हैं ना, ये आपका पिलर, तीन पिलर आपका तैयार हो गया है और इन तीनों पिलर में अब आपको लाइट देना है, ठीक है। तो ये तो आपने बैकग्राउंड लगा लिया, पिलर्स सेट कर लिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो पूरा लगातार देखिए। और उसके बाद फिर मैं अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है सिंपल इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट से शेप लेना है, शेप लेकर एक रेक्टेंगल ओवल लेना है, ओवल लेकर आप इस एरिया को पूरा ऐसे घेरिए, ये आपका कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और इसके ऊपर लाकर इसको रखिए यहाँ पर, ठीक है।
रखने के बाद अब आपको जाना है फॉर्मेट में, यहाँ से कलर लेना है, ये ब्राइट ये है ना, ये कलर लेना है। फिर आपको यहाँ से इफेक्ट शेप इफेक्ट में जाना है, सॉफ्ट एज में जाना है, और यहाँ से एक सॉफ्ट एज लेना है जिससे ये शेड आपका किनारे किनारे सॉफ्ट एज टाइप का दिखे। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह का सॉफ्ट एज हो गया, किनारे धुंधला हो गया और बीच में गाढ़ा हो गया। ठीक है, इसको मैं और सॉफ्ट एज ले रहा हूँ थोड़ा सा, तो इस पर क्लिक करने पर देखिए ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको मैं फिर से पहले जैसा 10 पॉइंट्स पर कर दे रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद आपको इस पॉइंट पे क्लिक करके ये बॉक्स खुलेगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी को कम कर दीजिए, ट्रांसपेरेंसी को एक सही ट्रांसपेरेंसी कीजिए, ये ट्रांसपेरेंसी हो गई और ओके कर दीजिए। तो ये आपका ये लैंप तैयार हो गया, एक लाइट तैयार हो गई। अब इसको क्या करना है, इसको आपको ये करना है कि सिंपल इस पर एक जाना है एनिमेशन में, एनिमेशन से कस्टम एनिमेशन से, फिर ऐड इफेक्ट में, और ऐड इफेक्ट्स में एंट्रेंस से आपको फेड देना है, फेड फेड देते ही देखिए इस तरीके से फेड होके फ्रंट पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना ये है कि इसके नीचे एक फिर आपको इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, और एक एक लेना है आपको, ये ले लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल, और इसको आप यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है ना, यहाँ पे करते हैं ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसका कलर जो है आप फॉर्मेट में जाकर यहाँ से कलर जो है आप इसमें जाइए स्टाइल शेप के नीचे, और यहाँ से आप फिल पे क्लिक करके यहाँ जाइए ग्रेडियंट में, और इसके ग्रेडियंट के कलर को यहाँ से वाइट रखिए, और यहाँ से इसको रेडियल यानी कॉर्नर जो है घुमा हुआ हो, और इसके पॉइंट को 97 रखिए, और इसके पॉइंट को भी लगभग 79 पॉइंट पे रखिए, और लाइन कलर को आप नो लाइन करके ओके कीजिए, है ना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से शेड आपका यहाँ बन गया है। ठीक है, ये दिख रहा है। अब इसमें यहाँ से भी एक बार फॉर्मेट से जाकर लाइन से नो का आउटलाइन कर दे रहे, तो नो आउटलाइन। अब इसके अंदर आपको लिखना है, इस पर राइट क्लिक करिए और एडिट टेक्स्ट करिए और लिखिए लाइक लाइक लाइक, और इसको कलर यहाँ से टेक्स्ट कलर में जाकर इसको ब्लैक कलर या रेड कलर जो भी आपको देना है, और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आप इसकी थोड़ी मोटी ले लीजिए, ये हो गया आपका लाइक, है ना। अब इस बेहतर तो ये है कि इस पूरे लैम्प को आप कॉपी करके यहाँ रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको ये एनिमेशन सेट नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये एक एनिमेशन सेट हो चुका है, और इस एनिमेशन को थोड़ा मीडियम में रखना है। अब इसको थोड़ा सा, और इसको क्या करना है, इसको आप भी जूम कर सकते हैं, यहाँ से इफेक्ट देना है, इफेक्ट में जाकर फिर से इस पर क्लिक करिए, और फिर इफेक्ट में जाइए, और इसको यहाँ से इसको भी जूम करके देखते हैं जूम करके क्या आता है। तो ये जूम आया ना, तो इसको थोड़ा वेरी फास्ट है, इसको मीडियम कर लेते हैं इसको भी, तो ये आपका मीडियम से थोड़ा फास्ट रखते हैं, फास्ट है ना, थोड़ा फास्ट। तो ये दो इफेक्ट्स हो गए, इसको इफेक्ट्स को चलाया जाए, प्ले करके देखा जाए कैसा होता है। तो ये आपका लैम्प आया, ये जला, और जल के यहाँ पर ये आपका लाइक आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लाइक आया। अब इसी लैम्प को आपको क्या करना है, बेहतर तो ये है कि आप इसी लैम्प को पूरा सेलेक्ट करिए, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसी लैम्प को कॉपी कर लेते हैं, इसी को पूरा कंट्रोल के साथ यहाँ लाकर छोड़ दीजिए, और ये हो गया। और इसको लाइक इसको कर देते हैं शेयर शेयर, और इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे नीचे थोड़ा रखते हैं, और यहाँ पर इसको कर देते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ठीक है, अब क्या करना है, ये लैंप नीचे देखिए एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा पहले F5 करके चला के देखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये आया, और ये इसके बाद ये लाइक आया, फिर ये आया आपका, है ना, लैंप जला, शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ना। तो इस तरीके से ये बहुत आसान सा वीडियो आपका था, बहुत ही आसान। अगर पसंद आया हो
तो क्या करना है आपको, आपको यही करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक करें। और भी इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस हैं जो आपके पावर पॉइंट और आपके यूट्यूब और आपके प्रेजेंटेशन में बहुत काम आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं ये माली टोला गांधीनगर बस्ती पक्के पर पढ़ाता भी हूँ, मेरा सेंटर चलता है। अगर आप मेरे सेंटर के आसपास कहीं हो 10-20-30 किलोमीटर के अंदर में, तो आप मुझसे आकर डायरेक्टली क्लास भी लिख कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।